यहाँ हर बच्चे के दिल, बच्चे से लेके बुजुर्ग, महिलाओं से लेके पुरुषों तक, हर एक के दिल में कमल का फूल ऐसे बसा हुआ है कि अगर। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वैप पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। अलग अलग पार्टियां अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं और पहले चरण में मतदान 4 मई को होना है। इस वक्त हम मौजूद हैं नुमाइश कैंप वार्ड नंबर 42 में और मेरे साथ मौजूद है अभी भाजपा के प्रत्याशी के बत्रा जी। उनसे बातचीत करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और क्या उनकी रूपरेखा होगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय श्री राम। मैं वार्ड 42 से नुमाइश कैंप क्षेत्र से के बत्रा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेरे पे अपना विश्वास जताया है तो मेरा प्रयास रहेगा उस विश्वास को कायम रखूं और यहाँ की जनता का मेरे को पूर्ण समर्थन मिल रहा है। और मुद्दे ये हैं कि जो काम छूट, अभी काफ़ी विकास होने वाला है, जो संत नगर, सेतिया विहार, शक्ति नगर, नंद विहार और नुमाइश कैंप में भी कुछ काम अभी बहुत सारा बाकी है ढमौला पटरी पर, तो वो सब कुछ भगवान ने चाहा, भोलेनाथ ने चाहा, तो अपने प्रयासों में जल्दी से जल्दी पूरा कराने का प्रयास करूंगा। और जनता के बीच में आज पहुंच रहे होंगे, लगातार जनता से अपील भी कर रहे होंगे, तो आपको क्या लगा क्या मुख्य समस्याएं हैं, जो 5 मुख्य समस्याएं आपने देखी होंगी इस बीच? मैडम, समस्याएं एक नहीं, दो नहीं, कई हैं। 5 की तो बात आप छोड़ दीजिए, समस्याएं कई हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? कई समस्याएं हैं, PWD से लेकर नाली खड़ंजा के अलावा भी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरता है तो उसके पीछे आभा होती है कमल के फूल की और साथ में मोदी योगी जी का भी छत्र छाया में हमें काम करना होता है। तो सबसे बड़ा तो मेरा प्लस पॉइंट यही है कि मैं उस एक संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो सिर्फ राष्ट्र हित में और बिना भ्रष्टाचार के सेवा में लगने की प्रेरणा देता है हमें। और निर्दलीय प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा आप नाली खड़ंजे का काम ले सकते हैं, लेकिन मेरे पीछे जो आभा चमक रही है ना कमल के फूल की, तो उससे और भी कई मुद्दे होते हैं जहाँ तक के भाजपा का प्रत्याशी पहुँच जाता है वो और किसी के लिए संभव नहीं है। और मैं इसीलिए जनता, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वार्ड 42 से पिछली बार 5 साल का कार्यकाल रहा विजय कालड़ा का, वो निर्दलीय ही लड़े थे और इस बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो क्या आप टक्कर नहीं मानते उनसे अपनी? नहीं, ये टक्कर में कोई नहीं है इस टाइम, भोलेनाथ की दया है। आपके सामने नए नए रिकॉर्ड से एक युवा चेहरा भी है निर्दलीय, सौरभ, वो अभी राजनीति में मेरे ख्याल नहीं, उनके बारे में मैं कुछ कोई कमेंट नहीं करूंगा, राजनीति में अपना बच्चा ही है वो। तो अपना प्रयास यही रहेगा कि सबको साथ लेके, सबको साथ लेके सबका विकास और सबका विश्वास मेरे को चाहिए साथ में। अगर जनता आपको निगम पहुंचाती है तो आप सबसे पहले प्राथमिकता पर क्या काम कराएंगे? प्राथमिकता में मेरे पास संत नगर का और सेतिया विहार का कुछ नालों की समस्या मैंने देखी है और काफी समय से देख रहा हूं मैं, तो मेरा अगर भगवान ने मेरे को सेवा का मौका दिया, क्या है वहां पे नाला है बहुत बड़ा, उसको वो मेरे ख्याल इंजीनियर को बुलाकर, मैं यहाँ नहीं बता सकता, इंजीनियर ही बताएगा कि उस नाले में क्या क्या करना है, छपाई भी होनी है या पाइप डलती है, जो भी होगा मेरे ख्याल पाइप से काम चल जाएगा। तो क्या नुमाइश कैंप में सड़कें, बिजली, पानी, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं? अभी तो कुछ दुरुस्त हैं और कुछ अदुरुस्त हैं। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप फिर से मैदान में उतरे हैं, भाजपा का पीछे से आपको सपोर्ट मिल रहा है? भाजपा का सपोर्ट तो मिल ही रहा है और जनता का समर्थन इस बार यूं मिल रहा है क्योंकि 52 सालों से डॉक्टर हंसराज जी के बाद ये भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का कोई कैंडिडेट नहीं जीता है। अब 52 सालों बाद जनता रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और उसके लिए मैं सभी का हाथ जोड़ के बस नम्र निवेदन करता हूं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है। यहाँ की जनता कहती है कि हमें भाजपा से इतना लगाव तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये भाजपा का कट्टर इलाका माना जाता है, लेकिन हम वोट निर्दलीय को ही देंगे।
मैडम आपसे किसने कह दिया ये भाजपा से लगाव, भाजपा से लगाव? यहाँ हर बच्चे के दिल, बच्चे से लेके बुजुर्ग, महिलाओं से लेके पुरुषों तक, हर एक के दिल में कमल का फूल ऐसे बसा हुआ है कि अगर तो पिछली बार हार का सामना क्यों करना पड़ा? वो बस कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि छल बल से कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना काट की हंडी हर बार नहीं चढ़ती, तो भोलेनाथ कितने आश्वस्त हैं जीत को लेके इस बार? अपनी जीत के लिए, अपनी जीत के लिए तो मैडम 130%। जय श्री राम। कोई अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता से अपील बस जय श्री राम करते चले और सुबह शाम करते चले, और कमल का फूल खिलाना है 4 तारीख को, दोनों कमल के फूल खिलाने हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये थी हमारी खास बातचीत, एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।